बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मंत्री और विधायकों की नाराजगी के बीच ये सबसे बड़ी खबर है। सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। सोर्सेस के हवाले से ये इस वक्त हिमाचल में जारी घटनाक्रम के बीच, राजनीतिक हलचल के बीच सबसे बड़ी खबर सामने आई है। मंत्री और विधायकों की नाराजगी के बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। और बड़ी बात यह है कि जल्द ही कांग्रेस की तरफ से चयन को लेकर फैसला संभव है। और पार्टी ने जिस तरीके से विधायकों से बातचीत के लिए ऑब्जर्वर भेजे हैं, उस बातचीत को लेकर भी बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, विधायकों की नाराजगी के बाद सुखविंदर सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। विधायकों की नाराजगी पर इस्तीफे की पेशकश को लेकर सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। वहीं टीवी 9 भारतवर्ष ने भी आपको बताया कि विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए, बातचीत के लिए किस तरीके से ऑब्जर्वर्स को भेजा गया है। और जल्द होने वाली बैठक में भी अब नए नाम के ऐलान को लेकर, नए नाम के चयन को लेकर संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन यह फैसला कब तक होता है, इस पर नजर रहेगी। पर्यवेक्षकों को इस्तीफे की पेशकश को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टीवी 9 ने आपको बताया कि किस तरीके से विधायकों से बातचीत के लिए भी लगातार ऑब्जर्वर्स कोशिश कर रहे हैं। मोहित हमारे सहयोगी उसी घटनाक्रम पर मौजूद होते हुए एक बड़ी खबर इसी हलचल को देखते हुए हमें दे रहे हैं। इस्तीफे की पेशकश को लेकर फिलहाल क्या बड़ी खबर मोहित आपके पास? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। केंद्रीय ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सामने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और कहा है कि अगर विधायक मेरे कामकाज से नाराज हैं तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन साथ ही अपने 3 नजदीकी विधायक हैं, उनके नामों का सुझाव उन्होंने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर दिया है। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि सुक्खू खेमे पर अब इतना भरोसा नहीं रहा है आलाकमान का कि जो सुक्खू ने 3 नाम दिए हैं उन पर किसी तरह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना एक और दाव चला है, अपने विरोधी खेमे को, वीरभद्र सिंह परिवार को रोकने के लिए उन्होंने अपने 3 नजदीकी विधायकों के नाम अगले मुख्यमंत्री पद के लिए सुझा दिए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब तक ये इस्तीफा सिर्फ ऑब्जर्वर के सामने ही पेशकश की गई है, कोई लिखित में इस्तीफा नहीं दिया गया है। इस्तीफा ये कबूल कब होगा, इसकी क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन गवर्नर को अब तक ऐसी किसी भी घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ केंद्रीय ऑब्जर्वर्स के सामने एक दाव चला है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना इस्तीफा पेश करते हुए। और आलाकमान अब क्या बड़ा फैसला लेती है, इस पर नजर रहेगी। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि ऑब्जर्वर जो विधायकों से बातचीत के लिए पहुंचे, उनके सामने सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दिया। बड़ी खबर पर नजर है।